नमस्कार प्यारी बहनों, आप सपने में देखते होंगे कि बादाम की बर्फी हम खाएं, लेकिन बाजार में आपको शुद्ध बादाम की बर्फी कहीं नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा मिलावट का सामान मिलेगा। आप अपने घर में ही खुद अपने हाथों से बादाम की बर्फी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ले 1 किलो शुद्ध गाय का दूध ले लेना है और 100 ग्राम बादाम ले लेने हैं। शक्कर ले लेनी है स्वाद अनुसार और इसमें चिपोड़ने के लिए घी ले लेना है, शुद्ध देसी घी। सबसे पहले क्या करना है कि 100 ग्राम जो बादाम गिरी है इसको रात को आपने भिगो के रख देनी है और सुबह इसकी छिलका जो है ऊपर वाला परत जो है हटा देनी है। हटा करके इसको आपने पीस लेना है मिक्सी में, ग्राइंडर में इसकी ग्रेवी बना लेनी है। और आपने इसके बाद क्या करना है कि दूध को आपने अच्छी तरह गाढ़ा करते रहना है। एक मोटी सी तली वाले बर्तन में इसको लेकर के इसको गाढ़ा करते रहना है और जब दूध का खोया बन जाए, आपने अच्छा फैट वाला अच्छा दूध लेना है ताकि उसका खोया बन जाए। और जब उसका खोया तैयार हो जाए, देख ले थोड़ा थोड़ा उसमें पानी हो, खोया तैयार होने वाला है, तो आपने जो ग्रेवी बनाया बादाम बनाई है उसमें डाल देनी है। शक्कर उसमें डाल देनी है, आपने चीनी नहीं डालनी। चीनी से कई प्रकार की और भी बीमारियां जो है साथ में लग जाती हैं, लेकिन ये शक्कर शुद्ध गुड़ की शक्कर है, बढ़िया शक्कर है, आपने ये इसमें डालनी है और उसको अच्छी तरह मिलाते रहना है। मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि जब वो अच्छी तरह दिखे कि आप बर्फी तैयार हो रही है, पतली सी गाढ़ी सी परत उसकी बन गई है, तो आपने एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में आपने देसी घी का उसको लेप दे देना है, नीचे से लेप देने के बाद जो आप आपकी बर्फी बादाम की बन गई है उसको उस प्लेट में उतार लेना है। उतारने के बाद उसको सीधा सा बिल्कुल करके और उसके पीसेस काट लेने हैं ताकि बाद में ये प्लेट के साथ चिपक ना जाए, इसलिए घी लगाया जाता है। और 1 से 2 घंटे तक जब ठंडी हो जाए तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं और अपने घर की बनी हुई बादाम की बर्फी खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बैठ के रहते हैं, आदमी लंबा है।